त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। कल हमने सवाल नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिए थे, समझ में आए थे अच्छी तरह से। अब करेंगे सवाल नंबर 9 से आगे के सवाल, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कोई सा भी सवाल इसी में से बोर्ड परीक्षा में आएगा तुम्हारे, ठीक है ना। तो देखो 9 में क्या लिखा है, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखो इसमें एक तो दे रखी है मीनार और एक दे रखा है भवन। मीनार होती है बड़ी और भवन होता है छोटा, ये ध्यान रखना। तो देखो पहले तो मीनार बना लेते हैं, ये एक मीनार है और मान लो इसके पास में एक क्या है, भवन है, ये एक भवन है, ठीक है ना। ये तो है मीनार और ये क्या है, भवन। अब क्या लिखा है देखो, ध्यान लगाओ, मीनार हमेशा बड़ी होगी, भवन क्या होगा, छोटा, इस चीज का ध्यान रखना है। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखो मीनार का, देखो ये जमीन है ना, मीनार का पाद बिंदु कहाँ है, ये रहा, यहाँ है। भवन का शिखर कहाँ है, ये रहा। तो यहां से मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है ना, वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री। नीचे से ऊपर देखोगे तो उन्नयन कोण यही बनेगा। अब आगे लिखा है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन का पाद बिंदु कहाँ है, ये रहा, और मीनार का शिखर कहाँ है, ये रहा, यहाँ पे है ना। जब यहां से इसका जो शिखर है उसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। यहां पर कोण बन रहा है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। आगे लिखा है, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो मीनार है ना, इसकी ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर। अब हमें ज्ञात करनी है भवन की, माना भवन की ऊंचाई क्या है, h है, समझ में। और देखो एक त्रिभुज तो बना ये वाला समकोण और एक त्रिभुज बना ये वाला समकोण, दो बन गए। a का नाम तो ए बी सी और यहां दे देते हैं डी, ठीक है। अब देखो ये वाला, ये बी सी दोनों त्रिभुजों में है ना, तो इसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक्स, ठीक है। एक तो लेना पड़ेगा ये वाला त्रिभुज और एक लेना पड़ेगा ये वाला त्रिभुज, और एक याद होना चाहिए लाल बटे कक्का, एल ए एल बटा के ए, यहाँ क्या आता है, यहाँ और यहाँ और यहाँ कोसेक, ये आता है। अब चलो भाई ध्यान लगाओ, इधर सबसे पहले ये त्रिभुज लेंगे ए बी सी, त्रिभुज कौन सा, ए बी सी से, ठीक है ना। अब देखो बेटा इसमें ये क्या है, लंब, और ये क्या है, किसमें आएगा, लंब बटा आधार किसमें आएगा, टेन। 90% सवाल आपके टेन से संबंधित ही आएंगे, ये ध्यान रखना। लंब आधार किसमें आता है, बताओ टेन कितना, 60। इस त्रिभुज की बात हो रही है ना, तो टेन कितना, बराबर हो गया लंब बटा आधार। टेन 60 का मान टेबल में कितना होता है, अंडर रूट 3, बराबर लंब कितना, 50, आधार कितना, x, मान लो बटे में कितना है, क्रॉस मल्टी अंडर रूट 3 किससे गुणा होगा, बताओ क्या आएगा, अंडर रूट 3 x बराबर 50 से कम, मान किसका चाहिए, गुणा है तो x बराबर आ जाएगा 50 बटा अंडर रूट 3। क्या 3 का भाग 50 में जाता है, तो हर का परिमेयकरण नहीं करेंगे, अगर भाग जाता होता तो क्या करते, हर का परिमेय, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर ए। अगे एक्स का मान, अब ये वाला त्रिभुज ले लिया, अब लेंगे ये वाला त्रिभुज, नाम क्या है, बी सी डी, त्रिभुज कौन सा, बी सी डी से, आने बताओ इसमें ये क्या है, लंब, और ये क्या है, आधार, कर्ण तो 90 डिग्री के सामने होता है, ये तो है लंब और ये क्या है, आधार, कोई किसमें आएगा, टेन, इस बार कितना, 30, बताओ क्या आएगा, टेन 30 बराबर लंब बटा, बताओ बेटा टेन 30 का मान, 1/√3 बराबर लंब कितना है, एक्स, आधार कितना है, एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, बताओ एक्स को एक से गुणा किया, एक्स बराबर √3 को एक से किया, √3 एच, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2, मान लिया। अब देखो समीकरण नंबर 1 ये रहा हमारे पास, यहां से x का मान यहां रख दो,
समीकरण नंबर एक से x का मान वहां रखने पर, ठीक है, तो बताओ क्या लिखेंगे, x का मान क्या करने पर, रखने पर, या समीकरण दो लिखना चाहो लिख दो या x का मान लिख दो। आप बताओ x की जगह x का मान कितना ये रहा, 50 बटा अंडर रूट 3 बराबर क्या है, अंडर रूट 3 एच, मान लो बटे में कितना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, अंडर रूट 3 एच किससे गुणा होगा, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा किया 3 एच, 50 एकम 50, मान किसका चाहिए, गुणा है तो 50 बटा 3, 3 का भाग, तो एच बराबर 16 3 48, 16 बार है ना, 16 बार ही जाएगा, बचा कितना 2, भाग जाएगा क्या, नहीं, क्या लगाएंगे पॉइंट, कितना हो गया 20 हो गया ना, 36 18 6 बार, फिर कितना बच गया 36, ऐसे 36 अच्छा अच्छा आता ही जाएगा, तो हम 1 6 की जगह क्या कर देंगे 7, और क्या आ जाएगा मीटर, तो बताओ भवन की ऊंचाई कितनी आ गई 16.67 मीटर, आया समझ में, मेन चीज है चित्र सही से बनाओ, चित्र सही से बन गया तो आपका सवाल भी आसान हो जाएगा, उतारो। देखो आपकी जो किताब है ना उसमें आपके इसमें उत्तर मिश्र बिंद में आ रहा है, आंसर उत्तरमाला में, आप चाहो तो मिश्र बिंद में भी बदल सकते हो, ये रहने दो, देखो मिश्र बिंद में कैसे है, कितनी बार जाएगा 3 का 16 बार, 16 3 48, 16 आ गया, बचे कितने 2 2/3 मीटर, 16 से 2/3 मीटर, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, मर्जी है जो लिखो, आया ना। अब देखो अगला सवाल, सवाल नंबर कितना है भाई 10, चालू कर देता मैं, सवाल नंबर 10, अरे बातें की बात, देखो ध्यान लो, 10वां सवाल ध्यान देना बेटा, क्या है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है जिसके दोनों ओर कितने खंभे हैं, 2, और दोनों की लंबाई क्या है बराबर, है ना, मान अब सड़क है ना तो सड़क ऐसे बनेगी, ये है सड़क, ये सड़क है, चौड़ाई कितनी है 80 मीटर, अब एक खंभा तो इधर है, है ना, और एक खंभा इधर है, दोनों की लंबाई बराबर है, मान लो इसकी h है तो इसकी भी कितनी होगी h मीटर, ठीक है, दोनों बराबर है, आगे लिखा है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री है और 30 डिग्री है, इस सड़क के बीच में एक बिंदु है, कहीं भी एक बिंदु ले लो, मान लो यहां एक बिंदु है, अब इससे इस खंभे का कोण तो है 60 का और इस खंभे का कोण है 30 का, कैसे भैया, इसका 30 ले लो इसका 60 ले लो या इसका 60 और इसका 30, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मान लो इस खंभे का जो ये कोण है यहां से ये है 60, है ना, जितना छोटा होगा उतना बड़ा कोण बनेगा, है ना, और इधर कितना कोण है, इधर का कोण है कितने का 30, आप उल्टा सीधा कर सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आगे लिखा है खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, एक तो हमें ज्ञात करनी है खंभों की ऊंचाई और एक ज्ञात करनी ये जो खंभों की दूरी, मतलब ये बिंदु खंभों से कितनी दूरी पर है इससे और इससे, ठीक है, अब देखो ध्यान लगाओ इधर, ये टोटल कितनी है बेटा 80 मीटर, टोटल कितनी है, मान लो यहां से लगाकर यहां तक x है, कितनी है बताओ इधर कितनी होगी 80 माइनस x, कितनी होगी भाई पूरी x है, ये हमने क्या मान ली x, तो ये कितनी होगी 80 माइनस, भाई ये 20 होती तो 80 में से 20 घटा दे तो कितनी बचती 60 ही बचती ना, तो इसको x मान लेती है, क्या होगी 80 माइनस x, दो चीजें ज्ञात करनी है, एक तो ए बी सी और यहाँ क्या हो गया डी और यहाँ क्या हो गया ई, है दो चीजें ज्ञात करनी है, एक तो क्या ज्ञात करनी है खंभों की ऊंचाई और एक इस बिंदु की खंभों से दूरी ज्ञात करनी है, आया समझ में, एक बार फिर देखो चित्र, मेन चीज चित्र ही है, अगर चित्र समझ में आ गया तो सवाल बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना, देखो क्या ले रखा था 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, सड़क की चौड़ाई कितनी है 80 मीटर, ठीक है, इसके दोनों ओर बराबर लंबाई के खंभे लगे हुए हैं, लगा दिए खंभे, दोनों की लंबाई बराबर है, इसकी एच है तो इसकी भी क्या हो जाएगी, और इस सड़क के मध्य में एक बिंदु है कहीं भी, इस बिंदु से एक खंभा तो 60 का कोण बना रहा है और एक खंभा 30 का उन्नयन कोण उसके शिखर का, खंभे के शिखर का,
तो आप ज्ञात करो एक तो खंभे की ऊंचाई और एक इस बिंदु से खंभों की दूरी। आया समझ में? चलो भाई देखो ध्यान लगाओ, इधर दो त्रिभुज बन गए, एक तो बन गया एबीसी और एक बन गया सी डी ई। दोनों त्रिभुजों को करेंगे, पहले ले लो त्रिभुज कौन सा ए बी सी से, बताओ बेटा इसमें ये क्या है लंब, ये क्या है किसमें आएगा लंब बटा आधार, किसमें आता है टेन में आता है, तो यहां टेन कितना 60 बराबर लंब बटा आधार, टेन 60 का मान अंडर रूट 3 बराबर लंब कितना है एच, आधार कितना है एक्स, मान लो बटे में कितना है क्रॉस मल्टी एच एकम और अंडर रूट 3 को एक्स से क्या अंडर रूट 3, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर ए। आया समझ में? अब लेंगे त्रिभुज ये वाला सी डी ई, त्रिभुज कौन सा सी डी ई से, नाम त्रिभुजों के आप मर्जी आए जो दो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बताओ इसमें भी ये क्या है और ये क्या है, क्योंकि हमेशा 90 डिग्री कोण बनेगा ऊंचाई पर है ना, तो ये 90 डिग्री कोण है यहाँ पर, तो ये लंबे और ये क्या है वही किसमें आएगा और टेन इस बार कितना 30, टेन 30 बराबर लंब बटा आधार, टेन 30 का मान 1 बटा अंडर रूट, लंब कितना है एच, आधार कितना है 80 माइनस एच क्रॉस मल्टी, तो एच को इसे गुणा करो अंडर रूट 3 एच बराबर आ गया 80 माइनस एच, इसे मान लो समीकरण नंबर 2। अब क्या करो समीकरण नंबर 1 से एच का मान वहां रख दो, है ना एच का मान वहां रख देंगे ना, तो बताओ क्या लिखेंगे एच का मान क्या करने पर रखने पर, एच का देखो अंडर रूट 3 का तो अंडर रूट 3 इंटू एच की जगह एच का मान कितना है अंडर रूट 3 एक्स बराबर पीछे क्या आएगा 80 माइनस एक्स, देखो अंडर रूट 3 गुणा को क्या 3 एक्स और बराबर क्या आएगा 80, एक्स का इधर क्या कर लेंगे माइनस का है तो बताओ क्या आएगा 3 एक्स प्लस एक्स बराबर 80, 3 एक्स और 1 एक्स 4 एक्स बराबर कितना 80 गुणा है तो एक्स बराबर आएगा 80 बटा 4 20 कितना आएगा एक्स बराबर कितना आया, अब देखो एक्स क्या आया ये आया ना, ये ए बी खंभा कितनी दूरी पर है 20 मीटर की, तो बताओ ये कितना होगा 60 होगा ना, ये बी से दिए कितना होगा, आया समझ में? देखो ए बी लिख दो यहां ए बी खंबे, खंबे की बिंदु से दूरी बताओ कितनी आ गई 20 मीटर। अब दूसरा खंबा कौन सा है ईडी, ईडी खंबे की बिंदु से दूरी, बिंदु से दूरी तो बताओ ईडी 80 माइनस एक से 80 में से कितना घटा दो 20, 80 में से कितना घटा दो 20, तो बताओ कितना आ जाएगी 60 मीटर आ गया। अब एक चीज और ज्ञात करनी है खंबे की ऊंचाई, क्या ज्ञात करनी है, तो ये जो x का मान आया वो यहां रख दो तो क्या आ जाएगी खंबे की ऊंचाई। अब देखो हमें क्या करना है x का मान कहां पटको समीकरण नंबर 1 में, x का मान समीकरण नंबर 1 में क्या करने पर रखने पर, ये रहा समीकरण नंबर 1, एच का तो एच बराबर अंडर रूट का 3 बताओ एक्स का मान 20 इंटू 20 तो बताओ बेटा क्या आ गया 20 अंडर रूट 3 मीटर, ये आ जाएगी खंभे की ऊंचाई। आया समझ में? उतारो। आप देखो भाई सवाल नंबर 11 ध्यान लगाओ, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, एक नहर है उसके तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। देखो मान लो यार नहर है तो नहर ऐसे बनेगी जैसे सड़क बनाई थी ना वैसे नहर बनाओ, ये एक नहर है, अब इसके एक किनारे पर क्या खड़ा है टीवी टावर, ये हमने टीवी टावर खड़ा कर दिया, बात मत करो, एक नहर है इसके किनारे पर ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब 90 डिग्री के कोण पर टीवी टावर खड़ा है। आगे लिखा है टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये तो नहर, देखो नहर ऐसे नहर ऐसे बह रही है, ये नहर का एक तट है और ये दूसरा, इस दूसरे तट से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है
60 डिग्री है, कितना है भाई 60 डिग्री। आगे लिखा है इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये जो बिंदु है ना, इस बिंदु से 20 मीटर दूर एक बिंदु है, मान लो बिंदु यहां पर है, कितने मीटर दूर है 20 मीटर दूर है। अब जब इस बिंदु से इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, कितना है इस बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण है बेटा 30 डिग्री, ठीक है। आगे क्या लिखा है, अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक तो ज्ञात करनी है टावर की ऊंचाई और एक ज्ञात करनी है नहर की चौड़ाई। चित्र भी दे रखा है इसमें, बड़ा रखा है ना सवाल में। एक बार फिर समझ लो, एक नहर है, ये नहर है, इसके एक तट पर क्या लगा है टावर, ठीक है। और नहर का जो दूसरा तट है, एक नहर का एक तट तो ये है और एक ये ऐसे बह रही है नहर, पानी ऐसे जा रहा है, तो एक तट तो ये और दूसरा तट है ये, एक तट पर तो लगा है टावर और दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 और इस बिंदु से 20 मीटर दूर इसी रेखा पर एक बिंदु है, इस बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है। एक तो ज्ञात करो नहर की चौड़ाई, माना नहर की चौड़ाई क्या है एक्स, क्या है ये एक्स है, तो बताओ पूरी कितनी हो गई एक्स प्लस 20, पूरी कितनी हो गई। और टावर की ऊंचाई क्या, माना टावर की ऊंचाई क्या है एच, क्या है एच, एक तो ज्ञात करना है एच और एक क्या ज्ञात करना है एक्स, आ गया। बताओ कितने समकोण त्रिभुज बन गए, दो, एक तो बन रहा है ए बी सी और एक ये डी, ए बी डी, एक तो ए बी सी और एक ए बी डी, ठीक है। ये नहीं लेना है काम, समकोण त्रिभुज ही काम लेना है, ठीक है। तो बताओ एक तो लेंगे त्रिभुज, पहले तो कौन सा ए बी सी से, ये रहा ए बी सी, बताओ ये क्या है, ये क्या है, किसमें आएगा टेन कितना, यह आएगा टेन 60 बराबर लंब बटा आधार। बताओ टेन 60 का मान अंडर रूट, लंब कितना है एच, आधार कितना है एक्स, मान लीजिए बटे में कितना है क्रॉस मल्टी एच एकम और अंडर रूट 3 को एक से किया, इसे मान लो समीकरण नंबर एक, आए समझे। अब लेंगे त्रिभुज कौन सा ए बी डी, बढ़ावा लेंगे, अब लेंगे त्रिभुज ए बी डी से, बताओ ए बी डी, ए बी डी ये क्या है और ये क्या है, वही टेन, टेन इस बार कितना 30, टेन 30 बराबर लंब बटा आधार। बताओ टेन 30 का मान एक बटा अंडर रूट 3, याद हो जाएगा। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हो ना, सवाल करते हो, तो आपको टेबल भी याद हो जाएगी, लाल बटे कक्का सब कुछ याद हो जाएगा, आपको ये बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अलग से। लेकिन उसके लिए मेहनत चाहिए, अभ्यास चाहिए, बार बार सवाल करो, आना सवाल करोगे अभ्यास करोगे। देखो गणित अभ्यास मांगती है, दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है लेकिन प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। जितना लिखोगे, जितनी रफ भरोगे, उतनी गणित आपकी अच्छी होती जाएगी। तो देखो टेन 30 का मान कितना होता है एक बटा अंडर रूट 3, लंब कितना है एच, आधार ये पूरा एच बटा एक्स प्लस 20 क्रॉस मल्टी एक्स प्लस 20 किसे गुणा होगा, क्या आएगा, क्या इस पहले इधर कर लो इसको, क्या तो अंडर रूट 3 एच बराबर आएगा एक्स प्लस 20, समीकरण नंबर 2। अब देखो एच का मान यहां रख देंगे, आना सिंपल दिख जाएगा, ऑटोमेटिक दिख जाएगा तुम्हें। बताओ क्या लिखेंगे, एच का मान रखने पर, एच का मान रखेंगे तो देखो बेटा एच का मान ये रहा अंडर रूट 3 एक्स, तो बताओ अंडर रूट 3 का तो इंटू एच की जगह अंडर रूट 3 एक्स बराबर आएगा कितना एक्स प्लस 20। अब देखो अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से 3x आ गया, x को इधर ले आओ, प्लस का है तो माइनस का बराबर कितना 20। अब देखो कितना बचा 2x बराबर कितना 20, तो ये गुणा है तो ये आ गया 20 बटा 2, बताओ कितना आ गया
एक्स बराबर, इसका मतलब एक्स हमने क्या मानी थी, नहर की चौड़ाई। नहर कितनी चौड़ी है, 10 मीटर। तो यहाँ लिख दो आप, क्या लिख दो, नहर की चौड़ाई। बताओ कितनी आए भाई, 10। एक और लॉजिक बताता हूँ, ध्यान लगाओ इधर। देखो यहाँ कोण कितना है और यहाँ कोण कितना है, अगर कोण डबल हो गया तो भुजा आधी हो जाती है। कोण डबल होते ही भुजा क्या हो जाती है, देखो यहाँ 20 थी तो कितनी हो जाएगी, 10। हालांकि हमने बड़ा चित्र में थोड़ा बड़ा बन रहा है, लेकिन ये इसकी क्या होती है, आधी। कोण जैसे दुगना हुआ भुजा क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। ठीक है, तो आप पहले से पता कर सकते हो उसके आंसर। आगे नहर की चौड़ाई, अब क्या ज्ञात करनी है, टावर की ऊंचाई। तो बताओ ये जो एक्स का मान आया इसे कहाँ रख देंगे, या तो एक में रख दो या दो में रख दो, एक आसान रहेगा, एक में रखो। क्या लिखेंगे, एक्स का मान कहाँ रखने पर, समीकरण नंबर एक में रखने पर, ये रहा एच का, तो एच बराबर बताओ कितना है, अंडर रूट 3 इंटू एक्स का मान 10। तो बताओ एच बराबर आएगा 10√3 मीटर। तो बताओ टावर की ऊंचाई क्या आ गई, 10√3 मीटर। आया समझ में, उतारो। अब देखो भाई सवाल नंबर 12, थोड़ा ध्यान लगाना बेटा, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान लगाओ। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक तो है भवन और एक है टावर। भवन तो होगा छोटा और टावर होगा बड़ा, इस चीज का ध्यान रखना है। तो देखो पहले तो भवन बनाते हैं और फिर टावर बनाते हैं। देखो ये तो मैंने बना दिया मान लो भवन है, ये तो क्या है, और इसके पास में मान लो ये टावर है, ये क्या है बेटा, हमें पता है भवन तो होगा छोटा, टावर क्या होगा बड़ा, और ये जमीन है यहाँ पे। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो क्या लिखा है, भवन की ऊंचाई कितनी है, 7 मीटर। देखो ये भवन कितना ऊंचा है, ये भवन की ऊंचाई है 7 मीटर। देखो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन के शिखर से, भवन का शिखर कहाँ है, ये रहा, और टावर का शिखर कहाँ है, ये रहा। यहां से जब टावर के शिखर को देखते हैं ना, तो यहां पर कोण बढ़ता है, यहां पर कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। ठीक है, आगे लिखा है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। यहां से जब इसके पाद को देखा जाता है ना, यहां पे टावर का शिखर यहां है और पाद यहां है ना, तो यहां कितने डिग्री का कोण बनता है, 45 डिग्री का। पाद जो तुम सोच रहे हो ना वो नहीं है, ठीक है, आ गया। जब इधर देखो, इधर जब इसके शिखर को देखते हैं कितने कोण बनता है, 60 का, और इसके पाद को देखते हैं कितने बनता है, 45 का। अब हमसे क्या कहा है, हमसे कहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करो, टावर की ऊंचाई क्या करनी है, या देखो ध्यान लगाओ, इजी है। देखो बेटा ये कितनी है, 7, ये कितनी है, 7, बताओ ये भी कितनी होगी, 7 मीटर। और देखो यहां से यहां तक तो आ गई टावर की ऊंचाई कितनी आ गई, 7। अब बताओ ये हमें करनी है, या इसको क्या मान लो, अब टावर की कुल ऊंचाई क्या हो जाएगी, एच प्लस 7, मतलब 7 में जो भी एच का मान आएगा वो जोड़ देंगे, तो टावर की क्या आ जाएगी, ऊंचाई। आए समझ में। अब देखो दूसरी चीज, अब मान लो देखो ये वाला, इसको एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, अगर ये एक्स है तो ये सामने भी क्या होगा, एक्स ही होगा। नाम दे दो, ए बी सी डी और ई। एक तो ये वाला समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री कोण है, और यहां भी कितने डिग्री कोण है, एक तो लो ये वाला त्रिभुज, और एक लेंगे ये वाला, चाहे तो एक ये ले लो और एक ये ले लो, ये दोनों ले लो चाहे ये दोनों ले लो। अब देखो ये कोण 45 का है, तो ये भी कितने का होगा, 45 का ही होगा। अवनमन कोण और उन्नयन कोण हमेशा क्या होते हैं, जब ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो कौन सा बनेगा, अवनमन ही बनेगा, अवनमन और उन्नयन क्या होते हैं, बराबर। ऐसे उनमें, अब देखो यहाँ 45 डिग्री का कोण है, तो बताओ ये दोनों क्या होगी, यहाँ 7 है ये भी कितनी होगी, 7। ये 7 है ये भी कितनी होगी, 7। आगे समझ में, ये डायग्राम मेन चीज है, अगर डायग्राम सही से बन गया तो सवाल बहुत ही आसान हो जाता है। आगे समझ में, चलो बेटा पहले ले लें त्रिभुज, ले लेते हैं ये वाला त्रिभुज कौन सा, ए बी सी से, ठीक है, बताओ ये क्या है, और ये किसमें आता है, टेन कितना,
टेन 45 डिग्री बराबर लंब बटा, बताओ बेटा टेन 45 का मान एक, लंब कितना सात, आधार कितना मान लो बटे में कितना है, क्रॉस मल्टी एक्स एकम सात एकम मीटर, तो बताओ एक्स का मान कितना आ गया, आ गया। अब लेंगे ये वाला त्रिभुज, क्या नाम है, ए डी ई। ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें एच ज्ञात करना है, तो ये तो जरूरी है। आप ये भी ले सकते थे, ये वाला भी, अरे क्योंकि ये भी कितने डिग्री का कोण है, 90, इसकी जगह लेते ही है, ये नहीं लेते तो ये लेते, है ना, बात एक ही है। ये सात है, ये भी कितनी आ जाती है, सात, और वही कौन, ये रात 45, ये कौन बनाने की जरूरत ही नहीं थी आपको, है ना। चलो वो वाला लेते, क्या नाम है, त्रिभुज ए डी ई से, है ना। देखो बेटा इसमें ये क्या है और ये क्या है, किसमें आएगा, टेन कितना साठ, टेन 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, टेन 60 का मान अंडर रूट का, लंब कितना है एच, आधार कितना है एक्स, बटे में कितना है क्रॉस मल्टी तो एच एकम, और ये आ गया अंडर रूट 3 एक्स, समीकरण नंबर 2। ये रहा एक्स का मान, वहां रख देंगे, है ना। बताओ क्या लिखेंगे, एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान रखो बेटा, एच का तो एच, अंडर रूट 3 इंटू 7, एक्स का मान 7 है, तो बताओ एच बराबर कितना आ गया, 7 अंडर रूट 3 मीटर आ गया। अब ये आ गया एच, टावर की क्या ज्ञात करनी है, कुल ऊंचाई, तो यहां लिखेंगे टावर की ऊंचाई, कुल ऊंचाई, टावर की कुल ऊंचाई, बताओ क्या आएगा, एच भी आएगा और सात भी आएगा, मतलब एच प्लस सात, बताओ एच का मान 7 अंडर रूट 3 प्लस 7, क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, 7 ले लेंगे कॉमन, 7 का भाग इसमें दिया अंडर रूट 3 और 7 का भाग एक बार, और ये क्या आएगा मीटर, तो बताओ टावर की ऊंचाई कितने आ गई, 7 कोष्टक अंडर रूट 3 प्लस 1। अगर आपको अंडर रूट 3 का मान दे रखा हो ना तो मान लिखो, वरना लिखने की जरूरत है, टाइम थोड़ी बचा है, नहीं है, अरे टाइम बच रहा है क्या। अब देखो बेटा सवाल नंबर 13, ध्यान लगाना भाई, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। देखो एक समुद्र है और उस समुद्र के किनारे लाइट हाउस लगा हुआ है। लाइट हाउस क्या होता है कि समुद्र में जहाजों को रात में रोशनी दिखाता है, जैसे मतलब बहुत दूर दूर तक रोशनी दिखाता है, ताकि वो समुद्र रात में कहीं चट्टानों से टकरा नहीं जाए, तो उसके लिए लाइट हाउस लगा रहता है, समुद्र बहुत ऊंचा होता है, है ना। क्या हुआ, अब देखो ध्यान लगाओ, ये समुद्र है, मान लो ये समुद्र है, ऐसे समुद्र ऐसे बनाना है, नहर भी ऐसे बनानी है, सड़क भी ऐसे बनानी है, समुद्र है और समुद्र के किनारे क्या लगा हुआ है, लाइट हाउस, ये लगा हुआ है लाइट हाउस, है ना, ये लाइट हाउस लगा हुआ है, और लाइट हाउस कितना ऊंचा है बेटा, 75 मीटर, 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, लाइट हाउस के शिखर से दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण। अब मान लो समुद्र में दो जहाज है, समुद्र में कितने जहाज है, एक जहाज तो यहां पर है और एक जहाज यहां पर है, दो जहाज है, और जब यहां कोई व्यक्ति बैठा है, है ना, कोई बैठा है, तू बैठा है, मान लो ये छोटू बैठा है, अले अब यहां से ये देखो इस जहाज को देखता है इसको, तो यहां जो कोण बनता है वो बनता है 30 डिग्री का, कितने डिग्री का, और इस दूसरे को देखता है ना तो कोण बढ़ता है 45 का, ये वाला कितने का, 45 का, ठीक है। आगे क्या, अवनमन कोण बन रहे, तो ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे कौन से बनते हैं, अवनमन। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज से ठीक पीछे है, ये दोनों जहाज इधर आ रहे हैं लाइट हाउस की तरफ, ये दोनों एक दूसरे के पीछे है ना, इधर आ रहे हैं, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करनी है दोनों जहाजों के बीच की दूरी। मान लो दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है, x, और ये वाली दूरी क्या है, y, है ना, तो बताओ कुल दूरी कितनी हो गई,
एक्स प्लस वाई। अब देखो मैंने बताया था अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होते हैं, ये 30 का है तो ये भी कितने का होगा 30 का, और ये कितने का होगा 45 का, और इधर आओगे तो 90 का, इधर आओगे कितने का हो जाएगा 90 का, बता रखा है। इन पे कंफ्यूज मत होना, एक चीज और, जितनी दूर होगा उतना कोण छोटा होगा, जितना पास होगा उतना बड़ा। देखो 30 से 45 इधर आएंगे तो 90 हो जाएगा, है ना, इसे ध्यान रखना, ठीक है। आ गया, हमें ज्ञात करनी है दोनों जहाजों के बीच की दूरी, मतलब किसका मान, x का मान। तो हम नाम देते इसको, ये हो गया a b c, यहां दे देता हूं c, और ये क्या हो गया d। कितने समकोण त्रिभुज है, दो है, एक का नाम तो ए बी सी और एक का नाम ए बी डी, है ना। अब देखो यहाँ कितने डिग्री कोण है, कितने का है, ये दोनों क्या होगी, ये वाई का मान कितना आएगा, आया समझ में। फिर ये दूसरा याद कर लेंगे सिंपली, पहले तो ले त्रिभुज कौन सा ए बी सी से, ठीक है, बताओ ये क्या है, और ये किस में आएगा, टेन कितना, टेन पैतालीस बराबर लंब बटा आधार, टेन पैतालीस का मान एक, लंब कितना 75, आधार कितना वाई, मान लो बटे में कितना है, क्रॉस मल्टी वाई एकम 75 एकम 75, वाई का मान कितना आ गया 75। अगर ये पूछ ले तुमसे कि बताओ आगे वाले जहाज की इससे दूरी कितनी होगी लाइट हाउस से, 75 मीटर, जो आगे जहाज आ रहा है ना उसकी दूरी लाइट हाउस से कितनी होगी, ये पूछा नहीं है हालांकि बता रहा हूं मैं, अगर पूछ ले तो, ठीक है। अब दूसरा त्रिभुज लेंगे कौन सा, ए बी डी, त्रिभुज कौन सा ए बी डी से, ठीक है। अब बताओ ए बी डी ये क्या है, ये क्या है, वही किस में आएगा, टेन कितना 30, टेन 30 बराबर लंब बटा आधार, टेन 30 का मान एक बटा अंडर रूट 3, लंब कितना है 75 और आधार कितना है x प्लस y, क्रॉस मल्टी x प्लस y एकम x प्लस y बराबर 75 को अंडर रूट 3 से क्या, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। सिंपल ही है, y का मान वहां पटको, है ना, तो क्या लिखने पर y का मान ये रखने पर, लिखा ना पटकने पर, चलेगा राजस्थान में सब जगह ही चलता है पटकने पर, y का मान रखने पर, ये देखो y का, x का तो x, y का मान 75 बराबर कितना आएगा 75 अंडर रूट 3, मान किसका चाहिए 75 को, उधर प्लस का है तो बताओ x बराबर 75 अंडर रूट 3 माइनस 75, x का तो क्या कॉमन आ रहा है 75 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर, यह आ जाएगी दोनों जहाजों के बीच की दूरी। ठीक है भाई, आज की क्लास यही समाप्त होती है, समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें।